Hey guys, how are you? My name is Rishikant Bairwa and I am your educator for GATE category. तो आज के लेसन में हम बात करेंगे डबली रेनफोर्स्ड बीम की. सिंगली की बात हम कर चुके थे पिछले लेसन में. यहाँ पे हम बात करेंगे डबली की और उसमें फिर तीन तरह के क्वेश्चन होंगे. पहला क्वेश्चन हमारा है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का, तो वो हम देखेंगे यहाँ पे. इसके अलावा मेरे बाकी कोर्सेज देख सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, और इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करें. वहां पे आपको अदर कोर्सेज भी मिल जाएंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब करें. थैंक यू. Hey guys, how are you? So this is the course RCC presented by me, Rishikant Bairwa, specially designed for SSC JE and IES mains aspirants. तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों. This is about me. You can catch me on this link, and if you like the course, please rate, review, recommend this course and share this course with your friends. तो सिंगली की हम बात कर चुके थे, अब बात करते हैं डबली reinforced beam की. पहला फर्क तो ये होगा कि सिंगली में हमने सिर्फ एक साइड ही reinforcement दिया था, टेंशन साइड. यहाँ पे हम कंप्रेशन में भी रेनफोर्समेंट देंगे. यही फर्क है हमारा सिंगली और डबली का, ठीक है. तो इसमें पहला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है फाइंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. तीन तरह के क्वेश्चन है सेम, जो पिछले केस में थे वही यहाँ पे है. तो इसके लिए प्रोसेस क्या होगा, सेम प्रोसेस है. एक्सी निकालेंगे, एक्सी निकालेंगे, टाइप ऑफ सेक्शन निकालेंगे, एमओआर निकालेंगे. बस फॉर्मूले थोड़े से चेंज हो जाएंगे, तो वो फॉर्मूले आपको डिफरेंस में बता दूंगा क्या डिफरेंस है. एक्सी का फॉर्मूला, एक्सी का फॉर्मूला सेम है, के इंटू डी, हमेशा यही काम लेना है. तो सेम फॉर्मूला है, इससे एक्सी निकालेंगे, ठीक है. दूसरा क्या है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्स ए निकालना है. तो ये यहाँ तक स्टेप सेम था, ये स्टेप सेम था. दिक्कत कहाँ पे थी, ये वाला जो पार्ट है ये इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गया, ठीक है. 1.5 mm माइनस 1 ASC, यानी कि कंप्रेशन साइड में जो स्टील लगा है उसका एरिया, एक्स ए माइनस DC, ठीक है. तो ये फ़र्क हो जाएगा, आपको ये याद करना है. फिर तीसरा स्टेप वही, टाइप ऑफ सेक्शन निकालेंगे, और चौथा स्टेप वही, MOR निकालेंगे. डिपेंड करता है किस साइड से निकालना है, टेंशन से या कंप्रेशन साइड से, तो वो हम देख लेंगे. यहाँ पे दिक्कत ये है कि MOR अगर C से आप निकालेंगे, नहीं कंप्रेशन साइड से निकालेंगे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों कंसीडर करने पड़ेंगे, C1 और C2. तो ये मेजर डिफरेंस है यहाँ पे डब्ल्यू वाले में, ठीक है. तो ये हमें कंसीडर करना है, और इसके ऊपर फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कैसे क्या प्रोसेस होता है. तो यहाँ से आप निकालेंगे MOR, फॉर्मूले रख देंगे दोनों के, तो ये हो जाएगा C1 के लिए फॉर्मूला, और ये हो जाएगा C2 के लिए फॉर्मूला, ठीक है. यहाँ से दोनों को सोल्व करेंगे, आंसर निकाल लेंगे. C1 हो जाएगा आपका ये वाला पार्ट, ये जो इसका, इसको कह सकता हूँ मैं कि यहाँ पे कंसंट्रेटेड मान सकता हूँ मैं, सी डैश पे सारा लोड लग रहा है, ठीक है. तो ये हो जाएगा C2, ये हो जाएगा C1. C1 के लिए जो Y1 आएगा वो आएगा XA/3, और C2 के लिए जो आएगा वो आएगा DC, ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका वैल्यूज़. फिर यहाँ से D-XA हो जाएगा, XA/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा D-DC, क्योंकि टोटल D है, इसमें से DC हटा दिया तो ये आ जाएगा. तो ये सारी वैल्यूज तो खैर आ जाएंगी. अब हम इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा. तो ये आपको डायग्राम दिया है, सारी वैल्यूज आपको दी है. M25, Fe500 निकालना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो निकालते हैं. गिवन डाटा लिख लिया सारा मैंने एक साथ, AST भी निकाल लिया, ASC भी निकाल लिया. कैसे निकाला, ये कंप्रेशन साइड है, ये टेंशन साइड है, तो ये हो गया AST, ये हो गया ASC, ठीक है. दोनों वैल्यूज निकाल ली. XC निकाला सबसे पहला स्टेप, ये आ गया 152.03 mm, क्लियर. दूसरा स्टेप, यहाँ से थोड़ा सा फर्क है, तो BX² / 2, बी हमें दिया है 400, रख दिया 1.5 × m-1, तो m की वैल्यू M25 के लिए कितनी थी, 11 थी, तो यहाँ से 11 रख दिया. माइनस 1 इंटू ये फॉर्मूला में हमारा क्या था, फिर आगे ये था हमारा ASC XA-DC. तो यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे, ASC की वैल्यू मैंने ये निकाली थी, ये आ गई, ये मैंने वैल्यू ठाकी पुट कर दी. XA-DC, तो XA तो हमें निकालना ही है, और DC क्या हो गया, जो इफेक्टिव को हमारा नीचे से हम लेते थे ना, वो ही इफेक्टिव को हम ऊपर यूज़ करेंगे, यानी कि 50, ठीक है. बीम के लिए 50 करते थे, तो यहाँ पे 50 करेंगे, तो ये हो गया DC. और ये वही था MAST × D-XA, तो ये सेम यूज़ ले लिया है हमने. तो यहाँ से हमें XA अननोन है, बाकी सारे नोन है, तो इसको सोल्व करेंगे. यहाँ से XA की वैल्यू आएगी 144.10. XA आ गया इतना, XC आ गया इतना, XA की वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है XC से, यानी कि क्या हो गया, अंडर रेनफोर्स्ड हो गया. अंडर हो गया तो हम अंडर से निकालेंगे, यानी कि टेंशन साइड से निकालेंगे. तो TA बराबर हो जाएगा किसके, σST के, और ये लेस देन हो जाएगा. ये हम रिजल्ट याद करें हैं, हमने पिछले जो सिंगली सॉल्व किया था उसमें रिजल्ट मैंने बताए थे चार, उन्हीं में से है ये. तो यहाँ से TA की वैल्यू आ गई कितनी, 275, ठीक है. ये आ गई FE500 के लिए, तो ये होती है 275. अब क्या करना पड़ेगा आपको, CA निकालना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि CA लेस देन σCVC है. तो कैसे निकालेंगे, सिमिलर ट्राइंगल से. देखिए अगर कंप्लीट ये होता तो ये C बनता इस तरह से ट्राइंगल, लेकिन अभी जो लग रहा है स्ट्रेस वो कितनी है, ये C डैश यहाँ पे लग रही है,
ठीक है, दोनों का रिजल्टेंट जो था सी वन और सी टू का, तो सी डैश यहाँ पे लग रहा है, ये डिस्टेंस डी सी है, तो ये हो जाएगी कितनी, एक्स ए माइनस डी सी, ये एक्स ए है टोटल, ये हो जाएगी डी माइनस एक्स ए, और ये है टी ए बाई एम जो पहले भी हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे लगाएंगे हम सिमिलर ट्राइंगल, किसके बीच में लगाएंगे, इस वाले के ट्राइंगल के और इस वाले ट्राइंगल के बीच में, ठीक है। तो एक्स ए बाई सी, एक्स ए बाई सी या सी बाई एक्स ए कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, डिवाइडेड क्या हो जाएगा, टी ए बाई एम डिवाइडेड बाई डी माइनस एक्स ए। तो ये सिमिलर ट्राइंगल लगाया मैंने, यहाँ से सी ए की वैल्यू निकाली है, ये सारी वैल्यूज पता है हमें, तो ये वैल्यू रख के मैंने यहाँ से निकाली, सी आ गया 7.90 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर है, ठीक है। ये आ गया हमारा सी ए जो एक्चुअल में लग रहा है, ना कि सी, तो ये फर्क है पहली बात। तो उसके बाद में क्या निकालना है, सी डैश निकालना पड़ेगा। सी डैश निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इन दोनों में रिलेटिव थ्योरम लगाएंगे, जो ट्राइंगल है ये देखिए आप समरूप ट्राइंगल है दोनों, तो यहाँ पे हम थ्योरम लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे सी ए बाई एक्स ए, यानी कि सी ए बाई एक्स ए डिवाइडेड बाई सी डैश डिवाइडेड बाई दिस एक्स ए माइनस डी सी। तो ये लगा दिया मैंने थ्योरम, और उसके बाद में सी डैश मेरा निकल के आ गया 5.16 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ठीक है। दोनों वैल्यू आ गई, सी ए भी आ गया और सी डैश भी आ गया। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा, पिछले केस में तो हमारा सी ए बराबर सिग्मा सी बी सी होके वहाँ से हम टी ए से सीधा वैल्यू निकाल लेते थे, इसी फॉर्मूले से निकाल लेते थे, यहाँ पे क्या है ना सी ए और सी डैश दोनों निकालने पड़े, ये दूसरा डिफरेंस है डब्ली के लिए मेजर वाला, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज आ गई, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो वो हमारा जो फॉर्मूला हमने देखा था वो हम लगाएंगे यहाँ पे, दोनों में वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमें वैल्यूज पता है सारी, एक्स ए की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे रख देंगे एक्स ए की वैल्यू, और यहाँ पे हम जो सी ए निकाल, सी ए था हमारा पहले टर्म में वो 7.90 आ जाएगा, ठीक है, और जो सी डैश था सेकेंड टर्म में वो आ जाएगा 5.16। तो यहाँ से आपका एम आर निकल के आ जाएगा, तो दो ही टर्म में जो है चक्कर पड़ता है वो है ये सी ए और सी डैश, तो ये दोनों ध्यान रखना है, और निकालना कैसे है वो सिमिलर ट्राइंगल लगा के निकालना है, तो वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस यही मेजर डिफरेंस है, उसके बाद तो आप सोल्व कर ही लेंगे। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार जो फॉर्मूला था, ताकि आपको क्लियर हो जाए, ये जो फॉर्मूला था आपका, तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ हमें पता है, ये चीज़ हमें पता लग गई है, डी माइनस एक्स भी निकाल लेंगे। यहाँ पे सी ए वाले जो टर्म है ना वो हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, जब हमने सिंगली डिज़ाइन किया था तो हमने सी ए की वैल्यू सीधी उठाई थी, सिग्मा सी बी सी के बराबर हो जाती थी, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम हमेशा कंप्रेशन साइड से निकालेंगे, और सी ए जो है वो वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी सिमिलर ट्राइंगल लगा के, तो वहाँ से आएगा सी डैश की वैल्यू, फिर यहाँ पे समरूप ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ से निकाल लेंगे दोनों की वैल्यू, और फिर वैल्यू पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। तो ये मेजर डिफरेंस है कि यहाँ पे सी वन और सी टू दोनों कंसिडर करने पड़ते हैं, ठीक है, सिंगली में ऐसा नहीं था। ये आया क्यों, ये इसलिए आया क्योंकि जो रेनफोर्समेंट हमने दिया है वो हमने दोनों साइड में दिया है, ना कि एक साइड में, यहाँ भी रेनफोर्समेंट है यहाँ भी रेनफोर्समेंट है, तो कुछ ना कुछ जो आएगा इधर वो एक तो लगेगा कॉन्क्रीट की वजह से स्ट्रेस, और एक लगेगा इस स्टील की वजह से स्ट्रेस, ठीक है। तो दोनों के अलग अलग डायग्राम बनने चाहिए, तो सी और सी डैश इसलिए आएगा दो वैल्यूज़ अलग अलग, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन भी है, यहाँ पे स्टील भी है, और यहाँ पे कंक्रीट भी है, तो इसलिए दो वैल्यूज़ आई है निकल गई, ठीक है। तो ये बात थी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।